2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल को कामयाब करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी कमर कस ली है। सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ बिगल फूंक दिया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर इंद्री के बिजली घर प्रांगण में एक मीटिंग कर आगामी कार्यक्रम की रणनीति बनाई। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर 2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी व किसान मजदूर संगठन भी हिस्सा लेकर इस हड़ताल को कामयाब करेंगे। हरियाणा सरकार की कर्मचारी वृद्धि नीतियों और केंद्र सरकार की श्रम कानूनों में संशोधन करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की नीति के विरोध में आज पूरे हरियाणा के अंदर ब्लॉक वाइज सभी विभागों में गेट मीटिंग का आयोजन है। इस इन गेट मीटिंग के माध्यम से 2 सितंबर को पूरे इंडिया के अंदर होने वाली हड़ताल को सफल बनाने की तैयारी है। और जो हरियाणा सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ, जैसे कच्चे कर्मचारियों को विभागों से बाहर निकालना और जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्होंने, उन वादों से पीछे हटना, पंजाब के समान वेतन मान का वादा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा और निजीकरण को ख़त्म करने का वादा, ठेकेदारी प्रथा बंद करने का वादा, इन सभी वादों को मौजूदा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिया था। लेकिन इन वादों पर ये सरकार खरी नहीं उतर रही है, उल्टा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार श्रम कानून में संशोधन करने जा रही है। और इन संशोधन के विरोध में पूंजीपतियों को जो लाभ पहुंचाया जाएगा, मजदूरों का जो शोषण होगा, कर्मचारियों का जो शोषण होगा, उसको पूरे देश का आम आदमी, मजदूर, किसान, कर्मचारी इसका विरोध करेगा और इन श्रम कानून में संशोधन को कभी सफल नहीं होने देगा। इंद्री से अजार टीवी न्यूज़ के लिए विजय कंबोज की रिपोर्ट।